इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी ने जारी की प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट। महाराष्ट्र के प्रभारी बनाए गए डॉक्टर दिनेश शर्मा, ओपी धनखड़ बनाए गए दिल्ली के प्रभारी, नितिन नवीन बनाए गए छत्तीसगढ़ प्रभारी, यूपी के सह प्रभारी बनाए गए संजीव चौरसिया और रमेश विधूड़ी, जिनका टिकट काटा गया उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कई जिम्मेदारियां दी गई हैं नेताओं को, खास करके जिनको चुनाव में मौका नहीं मिल रहा है उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। इसमें ओपी धनखड़ का नाम है जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा में बीजेपी के, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह से रमेश विधूड़ी, जिनका टिकट काटा गया उनको यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। और कैप्टन अभिमन्यु को प्रभारी बनाया गया है चुनाव का असम के लिए। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के वित्त मंत्री थे चुनाव हारने के बाद, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी अपने आप में। और इसी तरह से जयभान सिंह पव्या मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको महाराष्ट्र सह प्रभारी बनाकर भेजा गया। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे पहले कार्यकाल में योगी सरकार के, सांसद हैं राज्यसभा के, उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। और इसी तरह से कई नेताओं को जगह दी गई है। नलिन कोहली का नाम है इसमें नागालैंड के लिए, संजीव चौरसिया, रमेश विधूड़ी और संजय भाटिया। संजय भाटिया का टिकट कटा है, करनाल से मनोहर लाल को टिकट मिला, संजय भाटिया को टिकट नहीं मिला। फिलहाल उनको सह प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश में भेजा गया। तो उन नेताओं को एक तरह से एडजस्ट किया गया है जिनके पास फिलहाल जिम्मेदारियां नहीं थी या जिनका टिकट कटा है या जिनको लेकर पार्टी संगठन में भी ले आ रही है।